नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूँ स्वाति रायना। नवरात्र पर हम जमकर शॉपिंग करते हैं, कोई नए कपड़े खरीदता है, ज्वेलरी, बर्तन या फिर घर का सामान, लेकिन वक्त के साथ ये सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। और मनी गुरु में हम हमेशा आपको समझदारी की शॉपिंग के बारे में बताते हैं, जिसका मूल्य बढ़ते वक्त के साथ बढ़ जाता है। तो नवरात्र के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 9 फंड्स जो आपकी सुख और समृद्धि में वृद्धि करेंगे। कौन से हैं 9 फंड्स, बताने के लिए हमारे साथ आज है फाइनेंशियल प्लानर दीपेश राघव। दीपेश, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। और नवरात्र के शुरुआत में ही हमने सोचा क्यों ना 9 फंड्स के बारे में दर्शकों को बताया जाए, जिससे कि उनका जो पोर्टफोलियो है और भी ज्यादा दमदार और ज्यादा रिटर्न वाला हो जाए। इसलिए 9 फंड्स जो कि आप सजेस्ट करने जा रहे हैं दर्शकों को, उसमें पहला फंड कौन सा है? नमस्कार स्वाति। देखिए, मेरे हिसाब से किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो की जो बेडरॉक है, जो नींव है, वो एक लार्ज कैप फंड से बननी चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो पहला फंड मैं रेकमेंड करूंगा, एक लार्ज कैप फंड है, ICICI फोकस ब्लू चिप फंड, उसमें निवेश करें। ये 6-7 साल पुराना फंड है, काफ़ी समय से अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट सभी टर्म्स पे, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर टर्म हो, उस पर इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। जो फंड मैनेजर है वो भी काफ़ी टाइम से सेम फंड मैनेजर है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती, पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो परफॉर्मेंस है ये जारी रहेगा और ये फंड अपने बेंचमार्क को कंटिन्यूसली आउट परफॉर्म करता रहेगा। इसके अलावा इसने जो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो भी काफ़ी बेटर हैं। इसने अपने डाउनसाइड को मान ली, जैसे कोई इसका बेंचमार्क 10% गिरता है तो ये फंड थोड़ा कम गिरता है, और जब बेंचमार्क मान लिए 10% बढ़ता है तो फंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी वजह से ये बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर पाया। तो कोई भी नया इन्वेस्टर हो, उसे वो इस फंड को कंसिडर कर सकता है। तो फंड 9 रत्न में है ICICI फोकस ब्लू चिप फंड, जो कि इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी फंड है। ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हैं, और इसके जो रिटर्न्स है उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो। दूसरे फंड की दीपेश बात करें तो कौन सा फंड जो कि दमदार रिटर्न दे सकता है, कौन सा है वो? हम लार्ज कैप फंड देख चुके हैं, अब मल्टी कैप पे आएंगे तो फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस फंड है। इसमें भी दर्शक हैं निवेश करने की तरफ देख सकते हैं। तो ये फंड काफ़ी पुराना फंड है, तकरीबन 20 साल पुराना फंड है। जो फंड मैनेजर हैं वो भी काफ़ी टाइम से सेम फंड को मैनेज कर रहे हैं, और जैसे मैंने पिछले फंड के लिए बताया था, आपका काफ़ी टाइम से ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। मल्टी कैप फंड की खास बात ये होती है कि ये अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर मार्केट कैप की कंपनीज पे लिमिट नहीं करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, अगर इनको लगता है कि लार्ज कैप्स अगर आउट परफॉर्म करने वाले तो लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा देंगे, लगता है कि मिड और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करने वाले हैं तो मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। जैसे आप इसका अभी करंट अगर आपका इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो तकरीबन 70% इसका जो एसेट्स हैं वो इन्वेस्टेड हैं लार्ज कैप कंपनीज़ में, और तकरीबन 30% निवेश किया हुआ है मिडल स्मॉल कैप कंपनीज़ में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना आना, अगर आपको 4-5 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हो तो आप इस एक फंड को रख सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी अच्छे रिटर्न्स देता रहेगा। ऑलराइट, लार्ज कैप की बात हुई, मल्टी कैप आपने एक फंड सजेस्ट किया दर्शकों को। अब मिड कैप की तरफ रुख करें तो वहां पर किस तरीके के फंड को आप चूज करके लाए हैं जहां पर एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है? तो इस लिस्ट में मैंने 2 फंड सेलेक्ट किए हैं, एक आपका मिड कैप है जो मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, और एक स्मॉल कैप फंड है DSP ब्लैक रॉक मैक्रो कैप फंड। तो इन दोनों ही फंड ने पिछले 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, पर इसमें एक बात है कि ये पिछले 2-3 साल में मिड और स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म काफ़ी ज़्यादा किया है। तो जैसे मैंने और फंड्स के लिए कहा, इनके भी जो फंड मैनेजर्स हैं काफ़ी टाइम से इस फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म किया है, अपने कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आए हैं। तो अगर आपको, जैसे बात की थी मैंने, आप जो अपने पोर्टफोलियो नींव बनाएंगे वो एक लार्ज और मल्टी कैप से बना सकते हैं, पर एक्स्ट्रा जो रिटर्न किकर चाहिए आपको, एक्स्ट्रा रिस्क और एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए आपको कुछ निवेश करना है, तो इन दो फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। बस मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप आज की तारीख में अगर आप मिड और स्मॉल कैप फंड्स के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे लार्ज कैप फंड से, तो आपको लगेगा कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स बहुत ही बेहतर हैं और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर दर्शकों को मैं राय दूंगा कि ऐसा ना करें,
ये फेजेस होते हैं मार्केट के कि कभी लार्ज कैप आपके मिड कैप फंड्स को आउट परफॉर्म करता है और मिड कैप फंड्स लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं। तो आजकल ये जो फेज़ है उसमें मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आउट परफॉर्म करता रहेगा। तो आप इन दो फंड्स को कंसिडर करें, पर जैसे मैं पहले कहा था जो अपना नीव है वो अपना आप रखें लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स के साथ, जैसे कि मान लीजिए आप 60% लार्ज और मल्टी कैप में कर सकते हैं और रिमेनिंग 30-40% आप मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में कर सकते हैं। 30-40% आपका ये कहना है कि हो कर सकते हैं स्मॉल कैप में, और इसमें कोई फंड अगर आप सजेस्ट करें इसके अलावा तो कौन सा फंड शामिल किया जा सकता है पोर्टफोलियो में दिपेश? डीएसपी मैक्रो कैप के अलावा कह रही हैं जी? डीएसपी मैक्रो कैप फंड की बात करूं तो डीएसपी मैक्रो कैप फंड आप शामिल कर सकते हैं, और उसके अलावा कुछ जाना है तो आप फ्रैंकलिन स्मॉल कंपनीज फंड को भी देख सकते हैं, लेकिन डीएसपी मैक्रो कैप फंड ने काफी अच्छा किया। ये एक प्रॉपर स्मॉल कैप फंड है जो प्राइमरीली स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है और कुछ हिस्सा मिड कैप कंपनीज में भी निवेश करता है, तो ये फंड काफी अच्छे हैं, दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं। पर गिवन अ चॉइस मैं कहूंगा कि आप डीएसपी ब्लैक रॉक मैक्रो कैप फंड में निवेश करें। ऑलराइट, तो और एक चीज, और स्मॉल कैप जी एब्सोल्युटली दीपेश, गो स्मॉल कैप में 40% ना करें, तकरीबन स्मॉल और मिड कैप फंड में कुल मिला के 30-40% का निवेश करें। ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो को कैसे सेट करें एंड नवरत्न फंड्स के साथ ही हम दीपेश राघव से जान रहे हैं। इनफैक्ट अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, कुछ और फंड्स की तरफ जाएं जैसे बैलेंस फंड्स हैं, उनमें अगर अब किसी को पोर्टफोलियो अपना सेट करना है बट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू उनका एज भी, उनका गोल भी, जो उनके फाइनेंशियल उन्होंने अपने लिए रणनीति सेट की है, और कौन से फंड्स हैं जो शामिल किए जा सकते हैं पोर्टफोलियो में? जी सर, आपने बहुत ही सही बात करी, फंड्स की चॉइस डिपेंड करती है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या, कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने हमने बात की मिड स्मॉल कैप फंड्स की, आप बशर्ते बेस्ट फंड उठा लें म्यूचुअल फंड मार्केट्स का, परंतु अगर आपका जो रिक्वायरमेंट वो 6 महीने बाद का है तो वो एक सही फंड नहीं होगा। तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो इसके अलावा एक और फंड कैटेगरी है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है बैलेंस्ड फंड की। तो उसमें बैलेंस फंड क्या करते हैं, कुछ हिस्सा आपका डेट में इक्विटी में निवेश करते हैं और कुछ आपका डेट में निवेश करते हैं, पर एज पर इनकम टैक्स रूल्स वो कम से कम 65% अपना आपका इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और तकरीबन 0-35% तक वो आपका डेट में निवेश करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो जाता है, जब आपके मार्केट्स बढ़ रहे होते हैं तो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली कुछ इक्विटी बेच के आपका डेट में चला जाते हैं, और जब मार्केट्स गिर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ डेट को बेच के इक्विटी में आ जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है नए निवेशकों के लिए जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, थोड़े घबराए हुए रहते हैं कि किस फंड में निवेश करना चाहिए। बैलेंस फंड आपके पहले फंड के रूप में बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो इसी बास्केट से आप HDFC बैलेंस फंड को कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है। जैसे और फंड्स की तरह बताया, जो फंड मैनेजर है चिराग सितलवाद, वो तकरीबन 10 साल से सेम फंड को मैनेज कर रहे हैं, एंड अक्रॉस आपका जो इन्वेस्टमेंट आपकी टर्म्स हैं 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल, इन्होंने अपना आपके बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। और इसमें आप देखेंगे कि इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इवन विद लेसर इक्विटी एलोकेशन जी, जैसे बैलेंस फंड्स में कम होता है, इसके बावजूद भी वो कई बार इक्विटी फंड्स को आउट परफॉर्म कर देते हैं, स्पेशली उस टाइम में जब आपके मार्केट्स रेंज बाउंड हो या फिर आपके इक्विटी मार्केट्स बहुत ज्यादा अच्छा ना कर रहे हो। तो एक पहले फंड के तौर पर बैलेंस फंड एक नए निवेशक के लिए बहुत ही अच्छी अप्रोच हो सकती है। ऑलराइट, तो ये पोर्टफोलियो जो है वो हम एक्चुअली इन फंड्स के जरिए देखने की और एक प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फंड्स अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस नहीं है, ये हम वन बाय वन फंड्स को डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो तो हमने देख लिया है कि सिर्फ इक्विटी तो पोर्टफोलियो में नहीं होगा, कुछ डेट की भी इसमें मात्रा होगी। तो अगर हम डेट ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो कैसा पोर्टफोलियो सेट करने के लिए आपने कैसा फंड चूज किया है? जी, डेट ओरिएंटेड फंड्स एज हाइब्रिड फंड्स आप कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि मैं बैलेंस फंड की बात की, वो इक्विटी हाइब्रिड था जिसमें हाइब्रिड फंड था, डेट और इक्विटी दोनों थे, पर इक्विटी का एलोकेशन ज़्यादा था। अब डेट हाइब्रिड की बात आए तो जैसा नाम से सुझाव आता है कि उसमें आपका जो डेट है उसका एलोकेशन ज़्यादा होगा, तो इसी कैटेगरी का प्लान है, मंथली इनकम प्लान कहते हैं। तो इस तरह के फंड्स को जिसमें डेट का एलोकेशन ज़्यादा होता है, तो SBI मैग्नम मंथली इनकम प्लान है, उसमें भी निवेशक निवेश कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें अगर इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहे हैं तो आपको उसके रिटर्न्स इतने अच्छे तो नहीं दिखेंगे,
पर जो खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं जो आज तक कभी उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया है, जैसे आपको रिटायर हो चुका है, रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए MIP एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें उनको कुछ उनका इक्विटी का जो किकर है वो भी मिल जाएगा और जो डेट की सेफ्टी है वो भी मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए ये फंड काफी अच्छा हो सकता है, SBI मैग्ना मंथली इनकम प्लान।